Hi guys, welcome back to the channel and another video. And yes, it's my birthday. But जी ये जो है ये मुझे सरप्राइज देने वाला था. रैपर ही अरे साले. तो ये लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया है. अनुराग भाई तुम तो बता ही सकते हैं, तुम तो रूममेट हो मेरे. तो ये लोग का जो सरप्राइज है मैंने बंद कर दिया क्योंकि दो चाबियां रहती है, एक अनुराग भाई के पास रहती है और एक मेरे पास रहती है. तो मैं चुपके से चाबी निकाला और खोला और पता चला कि भाई साहब लेटे हुए हैं ऐसे घर में जैसे इन्हीं की जायजा हो पूरी और लेटे और सरप्राइज पूरा बंद कर दिया मैंने. बट यस अभी आंटी भी आ रही है पर मुझे उनको ऐसा दिखाना है कि ओ शिट आंटी आप तो सरप्राइज अरे अरे सरप्राइज दे रही हो वैसा. तो यस केक काटना है, चलो फिर केक काटना है. कोई बात नहीं, तू काट रहा है मैं काटूं? मैं काटता हूं. मैं काटता हूं. चल थैंक यू. ये देख तुम लोग तो गरीब हो, जज साहब तो यहाँ बैठे हैं. देख जज साहब तो ऊपर बैठे हैं. जज साहब चलो भाई फिर केक काटते हैं. चलो फिर काटें. मेरे फोन से वीडियो बना लो भाई. निम्मी शायरी बना के लाई है मेरे लिए, बर्थडे के दिन शायरी होगी निम्मी के लिए. सब लोग तालियां बजाओ. ताली बजा यार, बच्ची है वो. चलो निम्मी की नींद हो गई खराब. निम्मी नींद में से आई. अब तेल लेने गई शायरी. बर्थडे सुबह खाऊंगी केक. चलो अम्मी घर. चलो अम्मी घर. बोलेंगी हाँ. चलो ये अलग दुनिया में, सब अपनी अलग अलग दुनिया में. यार थोड़ा सा थोड़ा वो तो देख, मुझे काट दे. अच्छा खिलाएगा मुझे. गजब बेइज्जती है. बड़ी बड़े लोगों को खिलाया पहले. मुझे तो खिला जिसका बर्थडे है, उसके बाद ही तो सबको खिलाया जाएगा. शायरी में रोना भी था क्या? शायरी में रो रही है भाई ये. बोलते जब भी कोई दुआ करे मुझ में दुआ करे. निम्मी ने मेरे लिए ना एक शायरी बनाई है मेरे बर्थडे पे, तो वो क्या है चलो. तू जब भी कोई दुआ करे, तू जब भी कोई दुआ करे, मेरा नाम तुझे माता करे, तेरी झोली खुशियों से भरी रहे. क्या बात है. मांगे वो सब तुझे अता करे. अरे वाह थैंक यू. रो क्यों रही है भाई, मैं जा थोड़ी रहा हूँ कहीं. ओ अच्छा इमोशनल हो रही है क्या? शायरी में ही कुछ ये देखो गाइज मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैंने इसको चॉकलेट दे दिया. जैसे मैंने बोला था कि जब ये जीतेगी तो मैं इसे चॉकलेट दूंगा. बबली दिए इसे. ये देखो बबली की क्या कर दी, बबली सूख गई है. चलो गाइज थोड़ा लेट ही सही, बट यही है कि आज बर्थडे था तो मैंने सोचा कि मनाना तो है नहीं मुझे, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा अंदर से. तो मैंने सोचा कि हनुमान जी के मंदिर में जाके थोड़ा सा पूजा वूजा की जाए अच्छे से. तो फिर हम सब लोग आए हैं पूजा करने के लिए, खुला है तो हम लोग थोड़ा पूजा वूजा करने आए. माय फ्रेंड्स आर कमिंग. बस स्वागत नहीं कर ऐसा लग रहा है. ऐसा लग रहा है हेलमेट लगा के आए. अकेला है क्या तू? अकेला है. हैप्पी बर्थडे. अब तो ये अबे किसको उठाला है तू यहाँ पे? बर्थडे भाई. हैप्पी बर्थडे माता. हैप्पी बर्थडे यार. अरे मिल ले तो ये छठी है ना ये तो. अच्छा तो छुट्टी. हैप्पी बर्थडे. माँ ये आज के दिन के लिए ये सब तुम्हारा. अरे बर्थडे भैया. थैंक यू. ये सब तुम्हारा है. बस बहुत था मेरे पास. अब दो दो आके परेशान करेंगे. कहाँ कौन सी गली से पकड़ लाया है भाई? कहाँ का है ये? कहाँ से लाइए पाया लेते थे? ये मेल है कि फीमेल?
ये नीचे से कितना गोरा ऊपर से ऐसा क्यों है? एक इंच छोटा है बस तुझसे, बाकी दोनों से भी दिख रहे हो भाई। घर में पाल रखा ही? हाँ। रेंट देता नहीं देता? नहीं देता। रेंट देता नहीं देता ही? भी ना वो कर दियो। ये चाचू है, ये अगर फट गया तो याद रखियो। अबे यार ऐसे दूर रखी तू यार इसे। गाइस ये देखो हमने इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी हार्ड किया। हार्ड ये ये बेबी कैसा लग रहा है? अरे भाई चलाइए ना आगे साइड चलाइए। खुद को खा गया। मैं अपना नॉर्मल बर्थडे पे मतलब प्रिपरेशन करना बहुत पसंद करता हूँ। जैसे कि इससे पहले जो मैंने बर्थडे किए थे मुझे बाद में पता चलता है ना कि हाँ हमने कितना खर्चा किया, कितना सारा चीज़ें की। अभी यहाँ पे अंशुल की मम्मी आई है जो कि बनाने वाली है बहुत ज़्यादा खाना, और बर्थडे बॉय भी सारा का सारा सामान लाना पड़ रहा है। समझ लो चीज़ें, समझ लो कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपने खाने के लिए। लेके आ गए हम लोग नीचे से आज बने की दाल मखनी, आलू मटर की सब्जी, रोटी और चावल। ओहो हो हो भाई स्वर्ग। जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी मेहनत तरीके से भाई, पूरी सब्जियाँ अच्छे तरीके से मैं लेके आया, देख रहे हो? और यहाँ देखो साइकिल पे दाल ले रखी है बस हाथ में। अनुराग भाई ये जलवा नहीं चलेगा तुम्हारा यहाँ पे। अरे साथ साथ एक हमारा फैमिली मेम्बर और आ गया तो वो भी खाएगा ना साथ में खाना। क्या नाम है? मौसू, मौसी, मौसी चिटांग। क्या नाम है उसका? मौसू। चलो भाई मैंने सोचा कि हमारी प्यारी आंटी को देखो, हमारी प्यारी आंटी आई है तो मैं को शेक बना के पिलाएंगे, पिलाऊंगा। मतलब अभी मैं इनके लिए बना रहा हूँ, डोंट वेरी, थोड़ा हाइजेनिक हूँ मैं, हाथ अच्छे से धोए हैं। अच्छे से धोने के बाद अच्छे से हाइजेनिक तरीके से हाथ वाथ धो के तब मैं अच्छे से मैंगो काट रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे देसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि मथुरा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए आमरस बनाऊंगा, खाने पीने के बाद जब आमरस का मज़ा आएगा बहुत मज़ा आएगा। बस बंद कर दो आप। बढ़िया बात थोड़ी है, ये लोग आए हैं खाना खा रहे हैं तो तुम्हारे लिए। वो भी क्या, वो क्या है, वो क्या है, क्या बनाया मैंने? मैंगो शेक बनाया, और तुम यहाँ फ्री में आगे खाना खाने के लिए केक वेक कुछ नहीं लाए? इंसान बाहर रखा है केक के लिए, नीचे खड़ा है, कुछ भी कुछ भी कॉल करूंगा तो आएगा। आकाश है क्या? नहीं देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है ऐसी आगे खाना खाने। खा लो और क्या काम ही है ये तुम्हारा आके। तू भी नहीं, खाना तो बड़े डेडिकेशन के साथ बना रही है तू। मैंने बोला केक वेक कुछ नहीं लेके आए? रात में रेडी कर रखी होगी ना ये, कि ऐसा बोलना है मुझे। मम्मी तुम भी नहीं लेके आई? ये तो ऐसे, ये तो ऐसे ही खाने आता है, कोई वो नहीं है ऐसी। और क्या खिला दूंगा और क्या। आज मेरा बर्थडे है, थैंक यू भाई, इसलिए केक मंगाया आपसे। चलो केक आ गया, क्या बात। थैंक यू भैया, पानी पियोगे आप? हैं? थैंक यू। अब तू खाना खा सकता है। चलो भाई फाइनली हमारा खाना बन चुका है, और गाइस आ जाओ भंडारा लगा है। आ जाओ गाइस भंडारा लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 7-8 लोग 10 लोग खा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा थालियाँ, बर्तन, कटोरी, भगोना, गिलास जो मिले सब ले आओ। क्योंकि देखो मैं तो प्लेट में खाऊंगा, अंजुल देख इसमें खा रहे, इसमें आटा मारते। आंटी ने खाना बनाया, मज़ा आएगा भाई। अब तो खाते खाते इतने टाइम बाद घर का खाना खाऊँ, मतलब घर का ही खाते हम लोग, पर होता ना माँ माँ होती है, बच्चे बच्चे होते हैं, मैं तो किसी में भी खा लूँगा, मेरा तो घर है भाई। भाई साहब खाने पीने के बाद जो टेस्ट आया है मतलब अलग ही लेवल का। उसके अलावा अगर खाने के बाद अगर कुछ मीठा ना हो और मीठे में आम ना हो तो मतलब बेकार है। सीज़न के हिसाब से, अगर सीज़न के हिसाब से तुम चीज़ ना खाओ पियो तो मज़ा ही ना है। भाई तुम्हारे भाई ने बनाया है स्पेशली सबके लिए बर्थडे स्पेशल आम रस। चलो भाई उठा लो, अंजुल मैंने तुझे गिलास दी थी तो कौन सा है? हाँ हमारा, हमने तो उठा लिया, तुम लोग देख लो अब अपना, ले लो जल्दी ले लो अनुराग भाई, लुट जा। सब डाला है? अरे पर तुम्हें लगेगा नहीं,
अरे पी लो भाई, दूध बिना दूध के कैसे बनेगा यार। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, अरे यार पी लो ना भाई प्लीज। अरे यार यार पी लो यार, अरे यार पी लो, तेरा भी है। अरे यार मुझे दो पीने पड़े, तू भी नहीं पीता, तू दूध नहीं पीता। गाय का बच्चा, हाँ मुझे लगा ही था, मुझे लगा ही था गाय का बच्चा है तू, मुझे लगा ही था गाय का बच्चा है तू। मैं यही सोचू तेरी शक्ल मिलती कैसे रही है कैटरीना से। मुझे गाय का बच्चा यार। सही है, तुम नहीं पियोगे यार अनुराग भाई? अरे यार ऐसा मत करो, उसे तो बोला उसे। अंजुल यार देर देर दे दिया भाई। रुक जा, लॉकिंग करके दिखा, ऐसे बोल लॉकिंग करके दिखा। चल ओ बैठ गया उस पर, देख बैठ गया, देख कहां से देख रहा है वो, देख मैं तुझे केक लाने के लिए बोला था। आइसक्रीम वाला है अबे, ये तो फैल जाएगा ये तो, ऐसे तो अरे अंजुल मत खोल, मत खोल, ऊपर से काट दूंगा। ये वो जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है, ब्लूबेरी चीज के, अरे यार पूरे व्लॉग खत्म कर देता है दो मिनट में पूरा व्लॉग खत्म कर देता है। टपक रहा है तो नाक निकल रही है इसकी यार। मुझे एक्चुअली मेरा जो बर्थडे है ना वो स्पेशल नहीं करना था, बट तुम लोगों की वजह से, ऑडियंस ने और ये जो मेरे भाई लोग हैं कुछ इतने प्यारे प्यारे, उन सब लोगों ने मेरा बर्थडे इतना ज्यादा स्पेशल कर दिया। ऐसे यार यहाँ मेरा फोन है ये, तुम लोगों ने इतना डेडिकेशन। अरे यार चुप हो जाओ, घुमा दे डायरेक्टर साहब। तुम लोगों ने तुम लोगों ने इतना डेडिकेशन के साथ मेरे ये बर्थडे मनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू ऑल, जब कोई दुआ जाओ तुम लोग, खा लूंगा मैं, खा लूंगा तुम लोग जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर योगेश भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तू क्या शादियों वाली वीडियोग्राफी लेके बैठ गया, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, अभी वो गरीब। चल ठीक है ये ले जा, दूसरी बांध दे। साले तुम लोग केक खाने के लिए आए हो गरीबो, मजा आ गया। अच्छा इसके नीचे भी है क्या, मुझे लगा प्लेट है इसकी। हैप्पी बर्थडे, दोनों का एक साथ खा लो। हैप्पी बर्थडे। हाँ भाई चलो फिर, टाटा थैंक यू। चलो गाइस फाइनली एक पार्टी को विदा करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं हस्तू और रिकी भैया के साथ। तो उन लोगों ने कुछ तो प्लान किया है, प्लान मतलब भाई मुझे पता है कि हाँ हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कुछ तो खाने के लिए। बट यस अभी क्या सरप्राइज रहता है, क्या सारी चीज़ें रहता है। बाकी भाई रिकी भाई मुझे गालियाँ देते हैं, अब ऑब्वियसली बड़े हैं अडल्ट हैं तो गालियाँ तो देंगे, पर अडल्ट तो मैं भी हो गया हूँ अभी, पर मैं दूंगा नहीं। पर यस आज उनकी गाली बंद है क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते, मैं ही सारी चीज़ें बोलूँगा। तो आज जो मैं उनके मजे लेने वाला हूँ ना, मैं सच बता रहा हूँ, खा जाऊँगा खा। आज तो गालियाँ बंद होंगी, आज गालियाँ नहीं दोगे, आज तो गालियाँ खाओगे खाओगे खाओगे। इतनी ज्यादा रिच बनती है ना कि हम लोग रेस्टोरेंट जाने से पहले यहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, समझ लो। ये देखो हम यहीं से कर रहे हैं, हम VIP हैं बहुत ज्यादा। तुमको कुछ नहीं बोलना है, सीधे चलाना है गाड़ी। हाँ
ये मत सोचो कि मैं ऐसे कैसे बात कर रहा हूँ किसी से, बहुत सताता है रोज मुझे, आज मेरा दिन है तो थोड़ा सा तो खेल लूं। क्या ऑर्डर कर रही आप? क्या योगेश, हाँ बाद में है ना, सहन कर सके ना उतनी उतना ही बोलना आज। भैया के लिए क्या ऑर्डर कर रहे हो आप? मेरे भैया के लिए क्या ऑर्डर कर रहे हो? वीडियोस भी बाकी हैं बेटा अभी। भैया के लिए क्या ऑर्डर कर रही हो? हंस तू पहले भैया का बताओ मुझे। भैया तो पाव खाता है। वो जो भैया कहेंगे वही मैं खाऊंगा। जाएं सर। थैंक यू सर। वाओ गाइस क्या इंग्लिश बोली जा रही है। यू डोंट अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड। क्रेजी हूं मैं, क्रेजी। पकड़ना एक बार फोन मेरा, एक क्रेजी थिंग्स करने दो मुझे। ओके गाइस, सो यस अभी हम करने वाले हैं ये स्पाइसी चटनी चैलेंज, जो कि हम कोई तो रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। ये चटनी है और ये पता नहीं क्या है, जो भी है, सुशी है, सुशी वसाबी, वसाबी वसाबी सुशी। तो यस अभी मैं चटनी वाला चैलेंज करने वाला हूँ, ट्राई। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे रिएक्ट करने वाला हूँ, बट इसका रिएक्ट मुझे पता है सलोनी का। चलो स्टार्ट, रेडी? चलो पहले मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा पहले मेरा है। हाँ तो ये रही चटनी। खराब दे दी क्या उसने? डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। तो थोड़ा ही खा और ले चल। चट गया रहे मुझे भैया। क्या अरे हटाना रहा ना, अच्छा लग रहा है। चलो आप उसका। अरे कुछ चलो नहीं, इतना ज्यादा पीकर नहीं है, सिर्फ हल्का सा नॉर्मल सा। चल 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 चल, लेट्स गो लेट्स गो। बहुत परेशान हो गई। अब तू खा जा। अब कोई नहीं, अब तो चैलेंज हो गया मेरा। चलो भाई फाइनली, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं बर्थडे मेरा नहीं मनाने वाला हूँ, बट इतना अच्छा बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी मतलब सरप्राइजेज हुए एंड काफ़ी खाना पीना हुआ जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, और इतने सारे केक कटे भाई, इतना ज़्यादा मज़ा आया, फ़न हुआ, किसी के सरप्राइजेज ख़राब भी किए मैंने, और बहुत मज़ा आया मतलब ये वाले बर्थडे में। बट वही है ना कि कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं। तो यस अभी मैं खुद के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करूँगा, और ज़्यादा अपने आप को देखूँगा कि मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ, कितना अच्छा जा सकता हूँ। ये बर्थडे मैंने नॉर्मली मनाने का सोचा था और वो मैंने नॉर्मल ही मनाया मेरी तरफ से, वरना आप लोगों को तो पता ही है मैं कैसे मनाता हूँ, हर बार आप लोग देखते हो हमेशा से। तो यस अभी मतलब मैं क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, सच बताऊँ तो बाकी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, गुड फील कर रहा हूँ एकदम, ऐसा नहीं कि ओह शिट क्या मना है, गुड फील कर रहा हूँ, जो कि मेरे को करना था बस भाई। तो इतना ही बोलूँगा कि अच्छा फील हुआ, बर्थडे था हमारा, मज़ा आया बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग मेरे इस टाइम पे साथ रहे और बहुत ज़्यादा फ़न किया सब लोगों ने साथ में, बहुत सारे दोस्त आए, आम खाए, आम रस पिया, डॉगी आया, हक दिया उस डॉगी ने, और फिर हमारे रिक्की भैया हस्तू मिले हमें, और फिर इन दोनों के साथ हमने डिनर किया, फिर ये सलोनी 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 मिली हमें, फिर इनके साथ थोड़ी मस्ती की हमने, बाकी मतलब ओवरऑल जो हमारा डे था वो बहुत अच्छा गया। तो यस अच्छा गया है, बहुत बढ़िया बात है। बाकी अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग हम लोग इतना ही रखने वाले हैं। होप करता हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।